मैं जिन लोगों की याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है, भूल जाते हैं, अबव 40 ईयर्स के बाद ये प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, और ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत शानदार है मेमोरी एंड ब्रेन हेल्थ, और उसको आपके दिमाग के जो कुछ स्ट्रांग करती है, याददाश्त को स्ट्रांग करती है, आपके जो न्यूरॉन्स हैं उनको उनकी डिजनरेशन जो हो रही होती है उस प्रोसेस को रोकती है, उनकी जन उनकी 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 रीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है आंवला के इस्तेमाल से। लेकिन ये अमले मुसलसल है, ऐसा नहीं है कि आपने 10 दिन ले लिया तो रिजल्ट नहीं आया। आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आपकी याददाश्त बहाल हो रही है, आपका दिमाग जो है ब्रेन एक्टिव हो रहा है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत अच्छी तरह फंक्शनिंग कर रहा है, आप अलर्ट हो गए हैं, आपके अंदर कंसंट्रेशन लेवल बढ़ गया है, आप जो किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे अब वो भी चीज़ें आपकी खत्म होती जा रही हैं, डिसीजन पावर में आपको जो बिल्कुल आपको समझ नहीं आती थी मैं क्या डिसीजन लूँ, डिसीजन पावर भी आपके अंदर डिवेलप होना शुरू हो जाएगी। ये कमाल है आंवला का, जो कि आपकी ब्रेन हेल्थ की डिवेलपमेंट में बहुत हेल्पफुल साबित होता है। आप करना इसका इस्तेमाल कैसे कैसे आपने, वैसे तो आंवला के जो पौधा है उसके पत्ते भी काबिल इस्तेमाल हैं, उसकी जड़ें भी काबिल इस्तेमाल हैं, उसके तने भी काबिल इस्तेमाल हैं, लेकिन इसका फल लेने, फल लेने उसको पिसवा लेने और एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए। रात को आपने क्या करना है, गर्म पानी के अंदर 1 गिलास गर्म पानी हो खौलता हुआ, बॉइलिंग वाटर हो जिसे बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसमें 4 से 5 ग्राम आपने आंवला का सफूफ ऐड कर देना है, पूरी रात इसको सोक करना है, ओवर नाइट सोक करना है, सुबह उठ के आपने इसको छानना है, छानने के बाद इस पानी को पी लेना है, डेली अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। इंशाल्लाह जो आपके ब्रेन रिलेटेड जो डिजीज़ हैं, अल्जाइमर है और है, पार्किंसन डिजीज़ है, एपिलेप्सी है, जिन लोगों को नहीं हुई अल्लाह ना करे तो उसमें रुकावट बनेगी, ये जिनको है तो उनको में भी बहुत हेल्पफुल साबित होगा आंवला का एक्सट्रैक्ट। तो आंवला ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत यूज़फुल इसका इस्तेमाल है, बहुत कारामद है, आंवले का इस्तेमाल कीजिए और अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाइए। इजाज़त दीजिए अल्लाह।